गाइज कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक न्यू GTA 5 की वीडियो में। तो गाइज यार लास्ट वाले एपिसोड में तो आपको पता होगा कि हम लोग ना डॉन के साथ गए थे एक वेपन्स की डील करने के लिए। वहां पर जाकर के ना यार हमने वेपन की डील तो पूरी कर ली थी और पूरे ना 20 million dollars की वो डील हुई थी और आधे तो ना उसने अपने को दे दिए हैं, उसने ना गाइज अपने को 8 million dollars दे दिए हैं। तो सही है भाई, उसके 20 खुद के हुए और उसमें से ना माइनस कर दो 8 को, तो भाई सही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील तो हो गई थी। और लास्ट टाइम ना हमने एक बंदे से भी बात करी थी जो ना अपने को गाड़ियाँ दे रहा था 15, वो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ियाँ दे रहा था और वो भी ना यार वो 15 million dollars के अंदर दे रहा था। तो सही है, डील वगैरह तो ना अपनी पूरी हो गई थी। और अभी अभी ना यार हम लोग साइकिलिंग वगैरह कर रहे थे और माइकल का जो अभी एक्सीडेंट हुआ ना साइकिल से, बहुत ज़्यादा गंदे वाला हुआ था। माइकल की एक बारी हालत देखो कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, कपड़े देख रहे हो गाइस पूरी ना मिट्टी वगैरह लग चुकी है और मत्थे पर देखो भाई पूरा ना यार मिट्टी का कीचड़ ही लगा हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं, गंदे कपड़े अपने हो चुके हैं क्योंकि यार हम लोग गिरे ही इतनी बुरी तरह से, अब क्या ही करें। और साइकिल मुझे लग रहा है ना कि अपनी ख़राब हो गई है, एक बार ना इसको हम लोग चला करके देख लेते हैं, क्या पता चलता है कि ये चली जाए। बैठते हैं इसके ऊपर और सही है भाई, साइकिल तो चल रही है शुक्र है, नहीं तो मुझे किसी की गाड़ी चुनानी पड़ जाती। और यहाँ पर ना यार हम लोग चलते हैं सीधा अपने घर पर। वैसे ना गाइज अभी तो सुबह हो रही है और मौसम जो हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला हो रहा है, तभी तो माइकल का मूड करा आज साइकिल चलाने का। और साइकिल चलाते चलाते जो माइकल गिर है ना अभी यहीं पर, मज़ा ही आ गया था। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अपने नए वाले घर पर क्योंकि वहीं पर ना अपनी जो फैमिली है वो वहाँ पर रहती है और जो अपने सिक्योरिटी वाले हैं वो भी अपने नए वाले घर पर ही रहते हैं। और जो भी ना अपनी गाइज सारी की सारी गार्ड्स हैं वो भी नए वाले घर पर हैं। और यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच भी गए हैं और ये लोग भी ना गाइज अभी ना अपने साथ रेस लगा रहे थे। ये लोग मेरे से ना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं पर कोई बात नहीं है, हम लोग गिर गए थे फिर हम लोग इंट्रो करने लग गए जिस करके ना हम लोग इनसे पीछे रह चुके हैं। तो इनसे बात करते हैं, मैंने ना इन्हें बोला था कि मेरा ना वेट कर लेना इस वाली लोकेशन पर आ करके। गाइज अपनी ना इन दोनों लोगों से तो बात हो गई है और ये कह रहे हैं कि सर आपको तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है कि क्या हो गया है। मैंने फिर इन्हें बताया कि यार मैं ना साइकिल से ही गिर गया था, अब मेरी क्या गलती है इसमें, और मैं बताता हूँ कि ये ना मुझे मिले कैसे। मैं तो भाई ऊपर साइकिलिंग कर रहा था पर ये लोग भी ना बहुत ज़्यादा तेज अपनी साइकिल भगा रहे थे। फिर मैंने इनसे बोला कि रेस लगाते हैं, फिर रेस लगाते लगाते अपनी ना भाई हालत ऐसी हो गई है गिर करके और ये लोग ना मेरे घर पर मेरे से पहले ही पहुंच गए हैं। तो सही है भाई, अपने ना रेंज रोवर भी यहीं पर है क्योंकि मैं लास्ट टाइम इसको ना डॉन के बंकर से तो लेकर के आ चुका था। और जो अपना घर है वो भी भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, साफ़ सुथरा यार पूरा का पूरा। और जो अपने सिक्योरिटी वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक तो यहाँ पर है, बाकी सबको तो आपको पता ही है कि एक अपने पीछे करता होता है वो वाली साइड पर और मेन एंट्रेंस पर भी है। तो सही है यार, मैं तो सोच रहा हूँ ना कि लेस्टर के पास चलते हैं क्योंकि ना आज अपने को जाना होगा एक शोरूम देखने के लिए। हम लोग ना यार पूरे 3-4 शोरूम देखेंगे और उनमें से ना एक सिलेक्ट करेंगे कि अपने को कौन सा परचेज करना चाहिए। तो ये काम जो मैं सोच रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो बैठते हैं अपनी रेंज ओवर के अंदर और जो ये कपड़े हैं ना मुझे बदल ले होंगे, पर जो अपने इस वाले घर के अंदर कपड़े हैं वो इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं है क्योंकि यार हम लोग जाएंगे बड़े बड़े शोरूम में तो ऐसे चड्डी बनियान में तो नहीं चले जाएंगे ना। तो सीधा बैठते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, चलते हैं अपने पुराने वाले घर पर क्योंकि वहाँ पर अपने बढ़िया से कपड़े रखे हुए हैं और जो लेस्टर ट्रेवर एंड फ्रैंकलिन है वो भी अपने पुराने वाले घर पर ही होंगे। और अभी तो ना यार बहुत ज़्यादा बढ़िया, मैंने ऑफ रोडिंग वगैरह कर ली थी साइकिल से और मैं ना गाड़ी से नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इसी करके इसको ना मैंने वॉश भी करवा ही लिया था। और इसको चलते हैं सीधा रोड से लेकर के अपने पुराने वाले घर पर। और गाइज अगर आपने ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जा करके लाइक कर दो क्योंकि लाइक का एम है पूरे 2000 लाइक का। और चैनल को बिना सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यार 70 के करवा दो जल्दी से। और यहाँ पर ना हम लोग यहीं पर तो इंट्रो वगैरह कर रहे थे, तो सही है। वैसे ना जो अपना पुराना वाला घर है वो थोड़ा सा दूर है इस वाले घर से, तभी मैं ना साइकिल से नहीं गया हूँ, नहीं तो अपने को क्या था हम लोग साइकिल से चले जाते, पर वहाँ जाकर की बिना प्रॉब्लम होती क्योंकि अपने पास ना कोई 4-सीटर गाड़ी नहीं बचती। और लेस्टर ने ना यार एक डीलर से भी बात करी है, वो भी अपने को ना एक लोकेशन पर मिल जाएगा। तो अभी तो ना हम लोग भगाते हैं अपनी रेंज रोवर को और ना जो अपनी रेंज रोवर चल रही है बहुत ज़्यादा मक्खन चल रही है क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने अपने मैकेनिक से इसकी भी ना सर्विस वगैरह पूरी करवा दी थी क्योंकि आपको भी पता है यार ये ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी उसी वाले बंकर पर खड़े खड़े। तो सही यार मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया है, भगाते हैं इसको, चलते हैं अपने लेस्टर के पास। गाइज मैं ना अपनी गाड़ी को तो लेकर के बस पहुंचने वाला हूं सीधा लेस्टर की लोकेशन पर। और वो जो लोकेशन है वो तो आपको पता है कि अपना पुराना वाला घर है और वहां पर जाकर के देखते हैं कि चल क्या रहा है
उन्होंने अपने घर को पता नहीं क्या बना दिया होगा, मुझे तो लग रहा है कि ना बहुत ज़्यादा बेकार ही सीन कर रखा होगा, क्योंकि मेड भी नहीं आ रही आजकल तो। और यहाँ पर ना खुल जा भाई यार, लेस्टर ने कहीं हैक करके कुछ अपना ही तो नहीं सिस्टम लगा दिया है। नहीं एक सेकंड, मुझे लग रहा था कि बस ये लेस्टर की शक्ल देख करके खुलेगा, पर नहीं, इसमें ना तेल वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ रही है। जब तक ना मैंने अपनी गाड़ी को टच नहीं करवाया तब तक ना वो जो डोर है वो खुला ही नहीं था। और सोच रहा हूँ ना कि अपनी गाड़ी को अंदर ही लगा देते हैं, क्योंकि अभी ना यार हमने इसको रिपेयर वगैरह करवाया था तो आपको पता है कि गंदी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो ना वाइट कलर है, गंदी तो भाई 2 मिनट में हो जाती है। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर, लेस्टर ने कोई नवा वर्कर रख लिया क्या अपनी गाड़ी वगैरह को साफ़ करने के लिए? पर अबे नहीं, ये तो जानी पहचानी शक्ल भाई फ्रैंकलिन यहाँ पर ना इसकी गाड़ी को साफ़ कर रहा है लेस्टर की। वाह, ये हैकिंग करते करते लेस्टर के साथ इसकी गाड़ी क्यों चमकाने लग गया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इतनी गंदी भी नहीं लग रही है, इसने ना साफ़ कर दी होगी। सही है गाइस, फ्रैंकलिन को तो ना हम लोग इसका काम करने देते हैं और ना उसको हम लोग डिस्टर्ब तो नहीं करने वाले हैं। और चलते हैं सीधा अंदर वाली साइड पर और देखते हैं कि ट्रेवर कहाँ पर छुपा हुआ है। वैसे छुपा तो क्या, इसने सोफे पर ही होना था, पर एक सेकेंड भाई सोफा तो पूरा खाली है आज, ये कैसे मुमकिन हो गया? ट्रेवर भाई यहाँ पर लेटा ही नहीं है, देखते हैं इधर उधर, पक्का ना यहीं कहीं स्विमिंग पूल में लेटा होगा। पर नहीं, स्विमिंग पूल भी पूरा खाली है, चेयर्स भी पूरी खाली हैं। ये फिर से तो नहीं भाई घूमने के लिए निकल चुका है, कुछ भी नहीं कह सकते यार। ट्रैवर का ना दिमाग थोड़ा सा हिला रहता है, आपको भी पता है वो कुछ भी करता रहता है। और चलते हैं सीधा अपने रूम में और देखते हैं कि चल क्या रहा है। और यहाँ पर जो अपना पी सी हुआ करता था वो हटा दिया क्या लेस्टर ने? पी सी तो नहीं मुझे कहीं भी दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ना लेस्टर एंड फ्रैंकलिन ने मिल करके वो वाला जो पी सी है उसको हटा दिया है। तो सही है, वैसे भी ना वो जो बंदा है वो तो अपने बंकर में ही है डॉन के, तो अब क्या ही करेंगे उस वाले पीसी का। और यहाँ पर देख लो लेस्टर तो पूरा सज धज के रेडी हुआ पड़ा है और फ़ोन चला रहा है आराम से। तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं भी ना जल्दी से कपड़े वगैरह बदल लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं नहाऊँ पहले जा करके फिर पूछूँ मैं लेस्टर से कि कहाँ पर जाना है। जल्दी से ना पहले मैं बढ़िया से कपड़े डालता हूँ और फिर लेस्टर से बात करते हैं और चलते हैं यहाँ से। हम लोगों ने ना गाइस एक बढ़िया से जैकेट डाल ली है और एक जींस डाल ली है जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और लेस्टर को देख लो, ये कब से मुझे ना देखता जा रहा है, इसको ना कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि जो ये जैकेट है ना ये कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है। तो सही है भाई, रेड कलर लेस्टर ने भी डाला है और हमने भी डाल लिया है। अब चलते हैं सीधा यहाँ से उसी वाली लोकेशन पर जहाँ पर ना अब अपने को लेस्टर बताने वाला है। वैसे ना उस वाली लोकेशन पर जा करके ना हम लोग एक डीलर से मिलने वाले हैं, फिर ना हम लोगों को वो लेकर के जाएगा एक शोरूम पर। एक वैसे नहीं यार, वो ना 3-4 शोरूम पर तो लेकर के जाना चाहिए उसको, क्योंकि वो एक डीलर है तो ना उसके पास अवेलेबल तो होने चाहिए शोरूम। और चलते हैं यहाँ से, और वैसे भी ना अब दोपहर तो हो ही गई है मेरे हिसाब से, इतनी भी नहीं हुई है थोड़ी कमी हुई है। और लेस्टर कहाँ पर रह चुका है? लेस्टर तो अपने साथ ही है। अब चलते हैं सीधा अपनी रेंज रोवर में, क्योंकि आपको पता है जो जी वैगन है उसकी तो पूरी मरम्मत चल रही है। और नहीं, मैं भूल कैसे गया हूँ यार, मैंने अपनी रेंज रोवर को अपने गैराज के अंदर पार्क करा है। और इसके अंदर चलते हैं, निकालते हैं उसको। और वैसे भी ना यार, जो भी अपनी फैमिली है वो तो अपने से अब खुश हुई पड़ी है पूरी की पूरी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हमें न्यू घर चाहिए और सिक्योरिटी वगैरह पूरी ना हमने लगाई रखी है वहाँ पर। और जो भी अपनी सारी की सारी कार्स हैं वो न्यू वाले घर के गैराज में पार्क हुई पड़ी हैं, अगर आपको नहीं पता तो। और बस ना अभी तो रेंज रोवर बाहर है और मैं तो उसको ड्राइव कर ही रहा हूँ। और इसको ना आराम से निकालते हैं क्योंकि स्क्रैच वगैरह नहीं पड़ने चाहिए। अरे भाई ये मैंने क्या कर दिया, या तो मैं इसको पूरा रिवर्स कर लेता या तो ऐसे ही निकाल लेता, पर नहीं, फाइनली मैंने ना इसको पूरा एडजस्ट करके बाहर तो निकाल लिया है। और अब ये गेट की दिक्कत पड़ने वाली है, पर नहीं, थोड़ा सा लेट खुल रहा है पर खुल चुका है। अबे यार मुझे लग रहा है ना कि डेंट अपनी गाड़ी पर गेट से ही लगने वाला है, और सही है अभी तक नहीं लगा है। और चलते हैं सीधा इसी को भगा करके उसी वाले बंदे के लोकेशन पर, और ना जो लेस्टर बोलेगा हम लोग वैसा करने वाले हैं। और वैसे जो पैसे हैं वो तो अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ना बस हम लोग शोरूम को देखने के लिए जा रहे हैं, ना कि परचेज़ करने के लिए। और भगाते हैं इसको, चलते हैं सीधा उसी वाले बंदे की लोकेशन पर। गाइज मैं एंड लेस्टर ना बस पहुंचने वाले हैं सीधा उसी वाले बंदे की लोकेशन पर, और ना थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम अपने को लग जाता अगर हम लोग ना आगे वाले रास्ते से जाते हैं। और यहाँ पर ना वो अभी भी ना किसी बंदे को शोरूम वगैरह दिखा करके हटा है, तो उसने ना अपने को किसी पार्किंग की लोकेशन पर बुलाया है। और वैसे सामने वाली साइड पर ना मुझे एक पार्किंग तो दिखाई दे रही है जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग है। चलते हैं सीधा उसी के अंदर, क्योंकि देखते हैं क्या पता चलता है कि वो जो बंदा है वो इसी वाली पार्किंग के अंदर अपना वेट कर रहा हो। थोड़ा सा ना अपनी गाड़ी को रोकते हैं, और कुछ ना गाड़ियाँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और वैसे चलते हैं अपनी रेंज रोवर को सीधा अंदर ले करके और देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है।
इधर पार्क करता हूँ मैं अपनी गाड़ी को और लैंड रेस्टर से बात करते हैं कि इन दोनों में से देख कि कोई बंदा है अपने जान पहचान का कि नहीं है। गाइज लेस्टर ने ना इस वाले बंदे को तो पहचान लिया है और ये जो पिंक शर्ट वाला है ना यही अपना बंदा है जो अपने को शोरूम दिखाने वाला है और यहाँ पर ये अपने से ना बहुत ज़्यादा इज्जत से बात कर रहा है और इसको ले करके चलते हैं अपनी गाड़ी में क्योंकि ये कह रहा है कि सर आपकी गाड़ी रेंज ओवर है और मेरे पास तो क्या ही सिंपल सी एक उर्स की कॉपी है और वो जो ब्लैक रंग की कार है ना जिधर बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो वाली गाड़ी इस वाले बंदे की है और चलते हैं सीधा अपनी ही गाड़ी में क्योंकि तभी ना हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर सही है। वैसे ना इस वाले बंदे ने दिमाग तो लगा दिया है, ये ना वैसे अपना तेल का खर्चा बचा रहा है मुझे तो ना ऐसा लग रहा है। और भाई ये किसकी गाड़ी है यार, हमर है बहुत ज़्यादा खतरनाक सी रेड कलर की। छोड़ो भाई अपने पास भी रेंज ओवर है बहुत ज़्यादा खतरनाक सी। अरे यार इस वाले डोर को क्या हो चुका है अब। गाइज मैंने एक बटन दबा करके उस वाले डोर को तो पूरा बंद कर दिया है और ना अब अपने को यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि देर तो बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर भाई एक सेकेंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मैं सोच रहा हूँ ना कि उस वाली पार्किंग से एग्जिट होते हैं। अबे रुक जाना एक सेकंड, सही है यहाँ वाली पार्किंग से ना हम लोग निकल लेते हैं क्योंकि वहाँ से अगर हम ना निकलते तो आपको पता है कि टाइम लग जाने वाला था और जो ये लोकेशन बता रहे हैं ना अब अपने को सीधा वहीं पर जाना होगा और अभी चलते सीधा एक शोरूम पर जो ना ये वाला बंदा अपने को बता रहा है। और वैसे ना ये कह रहा है कि जो वो शोरूम है वो अपनी लोकेशन के बहुत ज़्यादा क्लोज है और ना ये अपनी गाड़ी की तारीफ पर तारीफ करता जा रहा है। भाई अब मैं क्या ही बताऊँ, तो सही है यार अब अपनी गाड़ी इतनी ज़्यादा ओपी है तो तारीफ तो करनी बनती ही है। और ना ये उसी वाली मार्केट पर तो लेकर के आ चुका है जिधर ना अपना शोरूम होने वाला है। ये कह रहा है कि यहाँ से अपने को टर्न लेना पड़ेगा और जो ये गाड़ी आ रही है ना ये कह रहा है कि वहीं पर लेकर के चलो। सही है हम लोग ना अपनी गाड़ी को तो लेकर के पहुँच चुके हैं और ये अपना शोरूम है क्या, मतलब अपना नहीं जो हम लोग देखने आए हैं यही वाला है क्या? दिखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ा शोरूम भी है। यहीं से मुझे एक बढ़िया सा कंप्यूटर दिखाई दे चुका है पर कंप्यूटर का तो हम लोग क्या करें, अपनी ना पहले मैं रेंज रोवर को पार्किंग में पार्क कर लेता हूं और सही है इधर पार्क करते हैं बढ़िया तरीके से तभी ना यार अपनी इज्जत थोड़ी सी बढ़ने वाली है। और उतरते हैं यहां से और ना इस वाले बंदे से बात करते हैं कि यही जो शोरूम है इसी की बात कर रहे हो क्या भाई तुम? भाई अपनी ना इस वाले बंदे से तो बात हो चुकी है और ये जो बंदा है ये कह रहा है कि हाँ सर ये जो शोरूम देख रहे हो रेड कलर का ये वाला शोरूम मैं आपको दिखाने के लिए लेकर के आया हूँ। वैसे ना यार ये शोरूम तो अंदर से लग्जरी लग रहा है पर बाहर से ना इसकी जो लुक है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है। और वैसे ना मैं तो आ चुका हूँ इसी वाले शोरूम के अंदर और ना ये लाइट्स देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा बड़ी है, देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और अपनी ना अगर हम लोग इस वाले शोरूम को परचेज करेंगे अपनी ना गाड़ियाँ इसी वाली लाइट के नीचे वाली साइड पर खड़ने वाली हैं तो मतलब अपनी ना जो गाड़ी का कलर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा इसी वाली लाइट के वजह से। और वैसे ना यार सही लग रहा है मुझे शोरूम तो और जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी ज़्यादा ना लग्जरी सा लग रहा है और अपना जो शोरूम है ना अभी उस वाले शोरूम से तो ये वाला शोरूम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और वहाँ वाली साइड पर एक गैराज है उधर चल करके देखते हैं। ओ भाई एक सेकेंड ये कौन सी गाड़ी का है, तो आई यहाँ पर पड़ा हुआ एक गाड़ी का, ये तो एक सुपर है भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है देखने में। टोयोटा की ये कार है आपको पता होगा ये ना एक सुपर है बहुत ज़्यादा बढ़िया यार ये वाली गाड़ी, तो इसका जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो सही है भाई यहाँ पर ना एक शोपीस तो इन्होंने रखा हुआ है सबसे ख़तरनाक वाली गाड़ी का और फ्यूचर में यार हम भी इसको परचेज़ करेंगे। वैसे ना ये जो गाड़ी ऐसे अवेलेबल ही नहीं है लॉस सैंटोस में, एक भी नहीं होगी मुझे तो ना ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देखो यार कितनी ज़्यादा बढ़िया सी यहाँ पर ना वर्कशॉप इन्होंने बना रखी है, अगर अपना मैकेनिक यहाँ पर वर्क करेगा तो उसको भी ना बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ना अपने को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जो इसकी जगह है ये बहुत ज़्यादा है। एक गाड़ी यहाँ पर खड़ेगी रिपेयर होने के लिए और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। गाइस यहाँ पर देखो दोनों के दोनों गैराज ना इसी वाले बंदे ने तो खोल दिए हैं और सही है यार की लगी थी एक और ना ये ऑटोमेटिक हो चुके हैं। और लेस्टर भी ना यार इधर से उधर अपने शोरूम पर नज़र तो मार रहा है कि अपने को ये जो शोरूम है इसको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं, वो तो यार पूरी वॉल वगैरह देख रहा है कि कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। तो सही है मैं सोच रहा हूँ ना कि इसके ऑफिस में चलते हैं, एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर ना यार थोड़े से अपने को ना बंदे लगाने पड़ेंगे, एक साइड फ्रैंकलिन हो जाएगा और यहाँ पर ना बीच बीच में अपना मैकेनिक भी बैठ सकता है, ट्रेवर अगर अपने शोरूम पर आना चाहे तो वो भी आ सकता है। वैसे ना ट्रेवर तीन चेयर हैं, अगर ट्रेवर आएगा तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि एक भी फ्रैंकलिन और लेस्टर एंड ट्रेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा। वैसे ना पर अपने को उतना ही ज़्यादा और काम करना पड़ेगा अगर अपने को ना ट्रैवर को भी साथ में रखना है तो, क्योंकि उसको भी ना अपने को तनख्वाह देनी पड़ेगी उसकी,
तो आपको भी पता है कि फिर अपने को ना गाड़ियाँ वगैरह सेल करनी पड़ेंगी। और यहाँ पर देखो ये अपना ऑफिस हो जाएगा अगर ना हम लोग इसको परचेज करेंगे। यहाँ पर हम लोग बैठेंगे इसी वाली चेयर पर और जो अपने कस्टमर होंगे यहाँ पर ना आकर के पेमेंट वगैरह कर दिया करेंगे। भाई मैं तो ना अभी से सपने देखने लग चुका हूँ, पर अभी भी क्या पता चलता है कि ना ये जो बंदा है इससे भी बढ़िया बढ़िया शोरूम अपने को अभी दिखा दे, तो कुछ भी नहीं कह सकते यार इसका। तो अभी तो ना इसने पहला शोरूम दिखाया है और पहला ही ना अपने को इतना ज़्यादा पसंद आ चुका है। और यहाँ से ना अब अपने को चलना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया यार, शोरूम तो काफ़ी ज़्यादा सही है, गाड़ियाँ तो ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाएंगी, दो यहाँ पर आ जाएंगी, दो यहाँ पर आ जाएंगी और तीन चार तो यहाँ पर आ जाएंगी। मतलब यार टोटल तो अपने शोरूम पर ना 8 से 10 गाड़ियाँ तो एक ही बार में आ सकती हैं। तो अब चलते हैं सीधा ना अपनी गाड़ी के अंदर और यहाँ से निकलते हैं सीधा दूसरे वाले शोरूम की तरफ। और ये जो शोरूम था ना वैसे देखने में तो बहुत ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा है, और अंदर से भी ना ये वाला जो शोरूम है काफ़ी ज़्यादा खुला डुला सा इन्होंने बनाया हुआ है। लेस्टर तो ना अपनी गाड़ी के अंदर तो बैठ चुका है और वो जो बंदा है वो भी ना भागता हुआ तो आ रहा है, तो वेट कर लेते हैं उसी वाले बंदे का। और ना अब हम लोग चलने वाले हैं दूसरे वाले शोरूम पर, देखते हैं वो वाला शोरूम कितनी ज़्यादा दूर होने वाला है। और ये जो शोरूम है ना ये अपने पुराने वाले घर से तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। सही है, अगर ना अपने को इसको परचेज़ करना होगा तो ना अपने को ना आने जाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ है अपने घर के। और भगाते हैं अपनी गाड़ी को और चलते हैं सीधा दूसरे वाले शोरूम पर। ये जो बंदा है ये कह रहा है ना कि जो दूसरा वाला शोरूम है वो थोड़ा सा ना इधर से दूर होने वाला है, तो इसी करके ना अपने को शॉर्टकट का यूज़ करना पड़ेगा और सीधा भगाएंगे और ना हम लोग हाईवे पर अपनी गाड़ी को कूदा देंगे। जैसे कि सामने वाली साइड पर देखो एक जंप है, ओ भाई ब्रेक मारते हैं भाई एक सेकंड, यहाँ पर ना मैंने मज़े में एक जंप तो करा दिया है। इतनी सारी ना गाड़ियाँ अपनी गाड़ी के नीचे से जा रही थी, जैसे मुझे लग रहा था कि मैं ना एक पुल पर भगा रहा हूँ अपनी गाड़ी को, पर ऐसा नहीं था, मैंने तो भाई क्या ही खतरनाक सी जंप करवा दी है। सही है, बहुत बड़ा तो ना हमने एक शॉर्टकट ले लिया है। और जब से मैंने ना अपनी गाड़ी को अब रिपेयर करवाया तब से ना इसकी जो स्पीड है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। आपने भी ना अभी देखा ही होगा कि जो अपनी गाड़ी की स्पीड थी वो 170 तक भी पहुंची गई थी। और यहाँ से भगाते हैं अपनी गाड़ी को और सीधा चलते हैं सीधा दूसरे वाले शोरूम पर। वैसे यार अपने को ना इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला है जाने में वो तो पता नहीं है, अब देखते हैं यार कितना टाइम लगेगा। और तब तक ना आप लोग लाइक कर दो और ना यार सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यार जंप मैंने करवा दिया एक बढ़िया सी, तो इसी बात पर ना सब्सक्राइब तो कर ही दो। और भगाते हैं इसको, चलते हैं सीधा दूसरे वाले शोरूम पर। गाइज अपने को ना ये वाला बंदा कह रहा है कि ना हम लोग दूसरे वाले शोरूम के भी बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, अपने को ना आगे वाले कट से लेफ्ट मोड़ना होगा। और वैसे तो ये कह रहा था कि वो वाला शोरूम बहुत दूर होने वाला है, और अब ये कह रहा है कि हम लोग पहुंच गए हैं। कैसे ये जो बिल्डिंग है ना यही अपना नेक्स्ट शोरूम होने वाला है जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ से मोड़ते हैं और चलते हैं यहाँ पर पार्किंग में पार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर ना सही है अपनी गाड़ी को ना हम लोग पार्क वगैरह कर देते हैं। भाई ये तो लॉस सैंटोस के अंदर ही है, मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं कितनी ज़्यादा दूर कह रहा है। कैसे ना इस बंदे को लग रहा होगा, वैसे भी ना मैंने अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव करा था जिस करके अपने को रास्ते का पता चला ही नहीं है। चलते हैं सीधा इसी के अंदर और ये कह रहा कि ये पूरा ओपन है। भाई ये जो शोरूम है ये तो ना मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, वैसे जिस वाले शोरूम को ना अभी हम लोग देख करके आए हैं ये तो ना उससे भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे। और वैसे जो इसकी प्राइस है ना ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है फिर तो। और वैसे यार मैं आपको बताने ही भूल चुका हूँ, जो हम लोग ना अभी शोरूम देख करके आए हैं उसकी प्राइस ये कह रहा है कि 25 मिलियन डॉलर पड़ने वाली है। भाई अंदाज़ा लगा लो, जब वो वाला शोरूम 25 मिलियन डॉलर का है और ये जो शोरूम है ना ये तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे देखने में बढ़िया लग रहा है। और ये जो शोरूम है ना भाई ये तो पक्का कुछ ज़्यादा ही महंगा होने वाला है। क्या पता चलता है कि ये जो शोरूम है 35 मिलियन डॉलर का हो, और गाड़ी के लिए यहाँ पर ना लिफ्ट भी इन्होंने बना रखी है, तो लग्जरी शोरूम है पूरा। चलते हैं ना सीधा इसको ना एक बारी में पूरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, नीचे नीचे से ना पूरा हम लोग इसको एक्सप्लोर करते चलेंगे, क्योंकि अभी ना अपने को और शोरूम देखने होंगे। खुल जाना, एक तो ना ये शटर आजकल खुल ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। सही है, यहाँ से ना अपनी जो गाड़ी है वो अंदर जाने वाली हैं, और ऊपर भी एक फ्लोर है और ना गाड़ी के लिए लिफ्ट भी लगी हुई है, तो इसका मतलब ऊपर भी ना गाड़ी वगैरह खड़ाने की जगह होने वाली है। अब चलते हैं सीधा इसी वाली सीढ़ियों से ऊपर। वैसे ना मैंने अभी लिफ्ट भी देखी थी, पर ना अपने को सीढ़ियों से चलना चाहिए तभी ना अपने को पूरा टूर मिलने वाला है इसी वाले शोरूम का। लेस्टर कहाँ पर खो चुका है, क्या पता चलता है कि लेस्टर इसी वाले शोरूम को एक्सप्लोर कर रहा हो यहाँ वहाँ से। वैसे यार एक सेकंड, रूम तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखो एक खाली रूम है, इसके अंदर हम लोग अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं,
और इस वाले रूम के अंदर चल करके देख लेते हैं। Moron? भाई इधर तो किचन भी है, तो दिखने में ना ये वाला शोरूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और अंदर से ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया रूम भी है और ऑफिस भी है। यार मुझे तो यहाँ से दिखाई दे चुका है, काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर ना हम लोग बाई चांस फ्यूचर में अपने शोरूम के अंदर और भी ज़्यादा बंदे रखेंगे, स्टाफ मेम्बर रखेंगे, तो इस पर ना हम लोग मीटिंग वगैरह पूरी करवा सकते हैं। और ये क्या लिखा है, विल फिर मैन, पता नहीं क्या है ये, शायद से कोई गाड़ी का ब्रांड ना हो, क्या पता चलता है। और ये वाला जो बंदा है ये पता नहीं उधर क्यों जा रहा है, वैसे भी ना हम लोग खुद ही इसको एक्सप्लोर कर लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। और यहाँ पर देखो दो दो जगह है अपनी गाड़ियों को पार्क करने के लिए, और इधर से व्यू देखो यार, पूरी ना बढ़िया सा व्यू अपने को मिल जाएगा। और बाई चांस अगर ना अपने को कपड़े वगैरह परचेज करने हैं वो सामने वाली साइड पर है, और दवाइयाँ खरीदनी है या कुछ भी ख़रीदना है वो देख रहे हो पूरी ना एक मार्केट है, उसके अंदर से ना हम लोग ले सकते हैं। सही है यार, खाने पीने का सामान भी ना अपने को इसका मतलब मिल जाने वाला है टाइम से। और यहाँ पर भी एक रूम जा रहा है, इसके अंदर जा कर के देखें क्या इसके अंदर क्या होने वाला है। ऑफिस वगैरह तो सारा देख लिया है। ओ भाई इधर अलग से एक पीसी रखा हुआ है। सही है यार, कुछ ज़्यादा रूम इन्होंने बना रखे हैं, और यहाँ पर भी एक अलग से पीसी है। बस भाई बहुत हो गया, शोरूम तो ना हमने पूरा देख लिया अब तो। और इस वाले बंदे से बात करते हैं कि जो ये वाला शोरूम है इसकी प्राइस तो क्या रखने वाला है। और वो बंदा कहाँ पर जा चुका है यार, पता नहीं चल रहा है वो बंदा कहाँ पर गया है, शायद से लेस्टर के पास गया होगा। देखते हैं, लेस्टर को ढूंढते हैं और उस बंदे को ढूंढते हैं कि वो लोग कहाँ पर जा चुके हैं, फिर मैं ना आपको बताने वाला हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। गाइस अपनी ना इस वाले बंदे से तो पूरी बात हो गई है, और मेरे तो ना यार पूरे होश ही उड़ गए हैं सुनते। ये जो बंदा है ये कह रहा है कि ना जो ये शोरूम देख रहे हो बड़ा सा, ये आपको पड़ेगा पूरे $42 मिलियन का। अबे भाई पागल है क्या, मैं अपना घर नहीं बेचने वाला हूँ इसके घर के, यहाँ से निकलते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा है अपने को। और वैसे अगर ना हम लोग इसको परचेज़ कर लेते हैं तो ना मज़ा तो बहुत आने वाला है। थोड़ी बहुत ना मुझे इसके अंदर लाइट्स की कमी लगी है, और लाइट्स तो ना हम लोग इसके अंदर लगवा ही लेंगे। तो $42 मिलियन कह रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही प्राइस है यार। अभी ना अपने पास हैं $20 मिलियन, क्योंकि ना अभी ना अपने को गाड़ियाँ भी उसमें से परचेज़ करनी है। यार $42 मिलियन तो कुछ ज़्यादा ही है, अपने पास ना इतना पैसा तो है नहीं है। और वो जो फर्स्ट वाला शोरूम अभी ना हम लोग देख करके आए हैं वो था $25 मिलियन का। सोचेंगे यार क्या पता चलता है कि अपने पास पैसा किसी वाले तरीके से आए, फिर ना हम लोग इस वाले शोरूम को परचेज़ कर लेंगे या तो इससे भी बढ़िया। और वैसे भी ना इसके अंदर लाइट वगैरह लगवानी पड़ेगी, तो थोड़े बहुत पैसे फिर खर्चने वाले हैं। गाइज मैं ना अपने रेंज रोवर को तो लेकर के बस पहुंचने वाला हूं सीधा उसी वाली गाड़ी के क्लोज, जहां पर ना अपने को इसको ड्रॉप करना है। और यहीं कहीं ना इसकी गाड़ी तो खड़ी हुई थी, सही है, ये जो ब्लैक कलर की और उसकी कॉपी है, यहीं पर ना हम लोग इसको छोड़ देते हैं और निकलो सर। हम लोग ना अभी कुछ दिनों में आपको बताएंगे कि कौन सा हमें शोरूम को परचेज़ करना है। मैंने ना इसको यहाँ पर उतार तो दिया है, और इसको बोल दिया कि ना मैं तुझे 2-3 दिन में बता दूंगा कि हमें कौन सा शोरूम परचेज़ करना है। और इसको ना हमने ये भी बोल दिया कि अगर कोई इससे भी सस्ते मिले तो ये भी बता देना, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही महंगे शोरूम थे। और ये कह रहा कि ठीक है मैं देखूंगा अगर ना कुछ सस्ते मिलते हैं तो। और गाइस वो जो बंदा है वो कह रहा था कि ये ना मेन हाईवे है, तो इसी करके ये जो शोरूम के प्राइजेज हैं ये कुछ ज़्यादा हुए पड़े हैं। और देखते हैं यार क्या पता चलता है कि कोई जुगाड़ लगाए लेस्टर अपना, तभी ना अपने को पैसे वगैरह मिलने वाले हैं। गाइस लेस्टर कह रहा है ना कि तू किसी खाने पीने की शॉप पर ले चल, क्योंकि ना मुझे भूख लग रही है। अबे यार अभी ना हम लोग पैसे का जुगाड़ लगा रहे हैं और इसको अलग ही भूख लग रही है। वैसे कह भी सही रहा है, माइकल को भी ना लगी रही होगी पैसे तो। और सही है, सही टाइम पर ना अपने को एक स्टोर भी दिख चुका है जहाँ से ना हम लोग बर्गर वगैरह तो खा सकते हैं। यहीं से मैंने अपनी गाड़ी को मोड़ दिया, और ना ये जो गली है इधर ही यहाँ पर ना मैं इसको पार्क कर देता हूँ। बर्गर वगैरह ना मैं लेकर के आ जाता हूँ, लेस्टर तो आराम से बैठा ही हुआ है। चलते हैं सीधा इसके अंदर और देखते हैं कि कौन सा बर्गर अपने को मिलने वाला है, या तो कोई डोनट वगैरह ही परचेज हम लोग कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी ना माइकल को उसी वाले बंदे का कॉल आया था जो अपने से ना 15 गाड़ियों की डील करके गया था। वो यार $15 मिलियन के बदले 15 गाड़ियाँ दे रहा था, और वो कह रहा कि यार तुम्हें उसको परचेज़ करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास एक नमक ग्राहक आया है, वो कह रहा कि ना मैं आज ही उस वाली गाड़ियों को ले जाऊँगा, तो कुछ बता दो कि तुम लोग उसको परचेज़ करोगे कि नहीं। अगर यार अपने हाथ से वो वाली डील कैंसिल हो गई तो समझ रहे हो 15 कार्स वो दे रहा था $15 मिलियन में, तो बहुत ज़्यादा ना यार अपना नुकसान हो जाने वाला है। क्योंकि अगर ना हम लोग 15 कार अलग से लेंगे तो वो $15 मिलियन में अपने को नहीं मिलने वाली है, वो अपने को मिलेगी कम से कम $25 मिलियन के अंदर अंदर। तो लेस्टर कह रहा है कि ना अपने को कुछ करना पड़ेगा।
ये कह रहा है कि ना हम लोग उसको थोड़े से ना पैसे एडवांस दे देते हैं कि है ना हम लोग उसी वाली गाड़ियों को परचेज करेंगे। अबे यार अब ना अपने को जाना होगा सीधा उसी वाले बंदे की लोकेशन पर कुछ पैसे एडवांस देने के लिए, क्योंकि वो जो बंदा है ना जो उसको एक नवा कस्टमर मिला है वो कह रहा है कि ना मैं सारी की सारी गाड़ियाँ नहीं तो आज ही परचेज कर लूँगा। एक तो ना ये लेस्टर की कॉफ़ी नहीं ख़त्म हो रही है, फाइनली लेस्टर ने यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह तो पूरी ख़त्म कर लिया है और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। अब देखते हैं कि ना हम लोग उसको कितने पैसे दें आज के आज, और वैसे भी ना अपना शोरूम तो अभी तक पूरा कंफर्म हुआ ही नहीं है और वो जो 15 गाड़ियाँ हैं हम लोग यार उसको पार्क कहाँ पर करें समझ में नहीं आ रहा यार, दिक्कत ही बहुत ज़्यादा होने में लगी हुई है। और इस वाले शोरूम पर ना हम लोग पहुँच गए हैं जो अभी अपने पास फ़िलहाल पड़ा हुआ है, इसमें तो कहाँ से 15 गाड़ियाँ आ जाएंगी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यार, 15 तो ना इसमें इम्पॉसिबल है। अपने को ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले तो यार अपने को ना एक बैंक पर जाना पड़ेगा, वहाँ से अपने को उठाना चाहिए $8 मिलियन का कैश, क्योंकि ना यार जब हम लोग उसको एडवांस पेमेंट दे देंगे तो वो जो बंदा है ना वो अपना मुंह बंद रखेगा, जब अपने को गाड़ियाँ चाहिए होंगी ना तब हम लोग उससे गाड़ियाँ वगैरह ले लेंगे। तो ये बात तो ना अपने को लेस्टर ने बताई है और लेस्टर ना 2 मिनट में अपना दिमाग इधर से उधर भगा ही लेता है। यार पैसे वगैरह तो ना हमने अपने बैंक से निकलवा लिए थे और अपने पास है अभी पूरे $8 मिलियन और अभी के अभी मैं ना उसको पकड़ा देने वाला हूँ। और उसने ना अपने को बीच पर मिलने के लिए बुलाया, वहीं पर ना वो लोग पैसे ले लेंगे अपने से और अपने को ना यार पता नहीं वो वाला बंदा कहाँ पर मिलने वाला है, बस उसने ना अपने को ये बता दिया था कि मैं बीच पर तुम्हें मिल जाऊँगा। अब देखते हैं कि ना बीच के अंदर वो कहाँ पर होने वाला है। गाड़ी को मैं ना अपनी अंदर वाली साइड पर ले जाता हूँ और कहीं ना बढ़िया सी लोकेशन देख करके इसको पार्क भी हम लोग कर देते हैं। ये जो लोकेशन है ये सही है, मैंने गाइस अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क तो कर दिया है, अपना अपने को चलना चाहिए सीधा अंदर वाली साइड पर और देखते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वैसे बीच को ज़्यादा ही नहीं सजाया पड़ा है यहाँ पर ना, इतनी डेकोरेशन तो पहले थी भी नहीं, तीन वर्ल्ड यहाँ पर कर दिया इन्होंने, पता नहीं भाई यहाँ पर क्या ही लिखा हुआ है। और देखते हैं यार यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा है ना, इन्होंने पहले से भी डेकोरेशन वगैरह बढ़ा दिया है। और सही है सामने वाली साइड पर ना कुछ झूले वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं, तो चलते हैं सीधा अंदर और देखते हैं कि यार वो वाला जो बंदा है वो अपने को कहाँ पर मिलने वाला है। और हर जगह यार पे लिखा हुआ है, पार्किंग भी वहाँ पर पे कर दिया इन्होंने और कपड़े भी ना इधर पैसे दे करके बदलने होंगे। और देखते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या है यार, नमी ना इन्होंने चीज़ें ऐड करी हैं, इधर कुछ खेलने के लिए है, अभी तो ना हम लोग खेलने नहीं आए हैं, कभी ना हम लोग जिमी एंड ट्रेसी के साथ भी यहाँ पर आएंगे। और ओ भाई ये वाली जो गेम है ये भी ना मैंने खेली हुई है, आपने अगर खेली है तो कमेंट्स करके बताना। अगर ना ये वाली जो बॉल है इसको ना हम लोग उठा करके वो जो सारे के सारे कप्स हैं इनको गिरा देंगे ना तो अपने को इनमें से कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो सही है यार ये जो गेम है ये मैंने ना वैसे खेली हुई है असली में, अगर आपने खेली है तो कमेंट्स में बताना, मज़ा तो बहुत ज़्यादा आता है यार, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला था, आपको अगर मिला तो ये बता देना। और टॉय बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया से यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो वैसे यार मैं यहाँ पर ना एक्सप्लोर तो पूरा कर रहा हूँ पर मेरे को ना वो वाला बंदा अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। और पहले से बहुत ज़्यादा ना इन्होंने बीच को बदल दिया है, काफ़ी ज़्यादा ना लाइट्स वगैरह यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और देखते हैं कि यार वो जो बंदा है वो अपने को कहाँ मिलेगा, मुझे तो लग रहा है कि मुझे ना उसको कॉल एक बारी कर लेना चाहिए। वैसे नहीं यार ढूंढते हैं आराम से, क्योंकि ना नमी नमी चीज़ें ना अपने को एक्सप्लोर करनी चाहिए। एक तो ना हम लोग लॉस सैंटोस में रहते हैं और अपने को पता ही नहीं है कि बीच पर ना इतनी ज़्यादा इन्होंने डेकोरेशन वगैरह बढ़ा दी है और चीज़ें देखते हैं। नहीं नहीं वैसे ना ये जो टेंट से लग रहे हैं ना ये भी ना पहले नहीं थे, ये ना अब आए हुए हैं, यहाँ पर टैटू बनते हैं और इधर शूटिंग वगैरह होती है शायद से, हाँ यहाँ पर ना फ़ोटो शूट ये लोग करते हैं। लग गया बहुत ज़्यादा ना इन्होंने बढ़िया बढ़िया चीज़ें यहाँ पर बना दी हैं और इधर कुछ अलग ही काम चल रहा है वीडियो वगैरह का, ओपन में पूरा ये लोग ना काम करते जा रहे हैं। एक सेकंड, ये सिक्योरिटी के साथ तो वही वाला बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, पहले मैं ना एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि ये वही वाला बंदा है ना जिसको हम लोग पैसे देने आए हैं। हाँ ये जो स्मोकिंग कर रहा है ना उस वाली साइड को मुँह करके, ये वही वाला बंदा है। तो ना इसके सिक्योरिटी वाले से बात करते हैं कि अपने बॉस को बोलो कि यहाँ पर थोड़ा सा देखें और अपने से पैसे वगैरह ले लें। सही है गाइस हमने ना इसी वाले बंदे को इसके जो पैसे हैं वो दे दिए हैं। अब ये बंदा कह रहा है कि ना जो वो गाड़ियाँ हैं उसको अब मैं ना किसी को भी सेल नहीं करूँगा, तुम्हें जब चाहिए होंगी वो ले जाना। अब सही है ना इसको पूरा विश्वास हो गया कि ना हम लोगों ने उन्हीं वाली गाड़ियों को परचेज करना था। अबे यार अपना ना $8 मिलियन का अभी के अभी फटका लग चुका है तो अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ना अपने को अपना काम बढ़ाना पड़ेगा शोरूम का, तभी ना हम लोग अमीर बनने वाले हैं
नहीं तो ऐसे तो ना माइकल गैंगस्टर लाइफ जीता रहेगा और ना क्या पता चलता है कि माइकल का कोई गोली पड़े और खेल पूरा ख़त्म हो जाए। अब लेस्टर का वेट करते हैं कि वो कब तक आने वाला है। लेस्टर ना गाइस यहाँ पर बस पहुँच ही गया है और ये तो पूरा ना थक चुका है चलते चलते। आज तो जब भी ना ये अपने साथ कहीं भी जाता है तो लेस्टर जो है वो पूरा थक ही जाता है, समझ ही नहीं आता इसका। ये ना बस हैकिंग कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। अब चलते हैं सीधा अपने घर पर क्योंकि यार शोरूम वगैरह देख लिया है और पैसे उस वाले बंदे को दे दिए हैं, तो इसका मतलब जो 15 कार्स हैं वो तो ना अब अपनी हो चुकी है। अब सही है, भगाते हैं इसको और चलते हैं अपने पुराने वाले घर पर और ना लेस्टर को वहाँ पर ड्रॉप करेंगे, फिर चलेंगे अपने नए वाले घर पर जहाँ पर ना हम लोग जाकर के सो जाते हैं। तो ठीक है गाइज, आज वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो जा करके लाइक कर दो क्योंकि लाइक का है मैं पूरे 2000 लाइक का, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि यार 70 के होने वाले हैं अपने, जल्दी से करवा दो 70 के की फैमिली। और यहाँ पर ना यार धुन तो बढ़ती जा रही है, और गाइज कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। और गाइज मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।